निर्वेदम आयात, निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य को प्राप्त करे। किससे? अब संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है उस परम तत्व को प्राप्त कर दे और नित्य सुख की प्राप्ति करवा दे। कोई ऐसा पदार्थ है दुनिया में? वेद ने मना कर दिया, अक सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, इसका स्वरूप क्या है? बोला इसी को मोक्ष कहते हैं, मोक्ष मुक्ति। वो होगी किससे? तो वेद ने खींच करके कह दिया रीते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना नहीं, ये पक्का है। तमेव विदित्वा मृत्युम अत्येति नान्ये पंता विद्यते अनाय, मना कर दिया। अरे उस परमात्मा को जान करके ही, उस परम तत्व को साक्षात्कार करके ही ये जीवात्मा परम सुख को प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई तरीका नहीं। अन्य पंता, पंता माने मार्ग, कोई मार्ग है ही नहीं। तो इनके लिए वेद ने कह दिया परीक्षा लोकान, ये लोक और परलोक की भोगों में सुख की जो प्रीति है इनसे मुझे परम सुख मिल जाए, इनको हटा देना चाहिए। निर्वेदम आयात, आयात मानी वैराग्य को प्राप्त करे। फिर अब ये पहली भूमिका होगी, अक वैराग्य में अटूट हो जाए, ये लोक और परलोक का सुख नहीं चाहे, मिथ्या समझ ले, अगर इस लोक का पदार्थ मुझे मिल जाएगा तो क्या मोक्ष देने में सहायक बनेगा? नहीं। स्वर्ग लोक तक भी जा करके जीवात्मा क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम वापस आ जाता, विचाता बिचारा ते तम भुक्त्वा, अरे उस लोक को भी भोग करके बिचारा ये मृत्यु लोक में आ जाता है। इसलिए विचार कर लेना चाहिए कि लोकों के भोग से, इनके पदार्थों से परम तत्व की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, ये निर्णय करके इनसे सुख की प्रीति को काट लेना चाहिए। अब ये पहली भूमिका तैयार हो गई। अगर वैराग्य में अटूट हो गया, पक्का निर्णय हो गया, तो जगत से घूम जाएगा। जब तक संसार का पदार्थों में प्रीति है, विषयों में सुख है, मानता है, भागता है, तो परमात्मा का साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता, ये गारंटी है। क्यों? अगर इधर जाना है तो मुंह इधर करना पड़ेगा, और इधर जाना है तो मुंह इधर करना पड़ेगा। इधर चलोगे और इधर आंख रह जाए, ये संभव नहीं। तो चाहते हो परमात्मा को और भागते हो जगत की तरफ, मिल जाएगा क्या? दिल्ली इधर है और अजमेर की ट्रेन में बैठ गया, कितनी देर में दिल्ली आएगी? नहीं आएगी। तो ये जीव बिचारा भूल के कारण संसार के पदार्थों में सुख मान रहा है। इसलिए वेद भगवान ने कह दिया परीक्षा लोकान, अरे इनको परीक्षा कर ले, अच्छी तरह जान ले, अब ये शनि के एक दिन हमारे हाथ से छूट जाएगा, फिर क्या करें? वैराग्य को प्राप्त करे, छोड़ दे इसको, हट जा इधर, उड़ जा। हाँ, तो ये पहला नियम हो गया। अच्छा, अब पहली भूमिका तैयार होगी, वैराग्यवान हो गया, तो फिर क्या करे? तद विज्ञानार्थम, तद का अर्थ कर लेना उस परमात्मा को जानने के लिए। कहां जावे? पहले हमारे संचालक जी बता रहे थे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आचार्यवान पुरुष वेद सुरति ने कह दिया, आचार्य के बिना उस परमात्मा को नहीं जान सकते हो, गुरु को बिना नहीं जान सकते हो। गुरु बिना भवन निधि तर ही न कोई, जो भी रंच शंकर सम होई, कभी नहीं तर सकता। चाहे ब्रह्मा जी जैसा हो जाओ, चाहे विष्णु जैसा होता हो, चाहे शिव जी जैसा क्यों ना हो जाओ, गुरु के बिना उस परमात्मा का साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता। अगर होता तो भगवान राम क्यों शरण में जाते गुरु की, भगवान कृष्ण क्यों जाते गुरु की शरण, और तो 16-16 कला उतारी थे, क्यों जाते, क्या जरूरत पड़गी? इसलिए बोल दिया सुरति माता ने, वेद ने फरमा दिया तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा विगच्छेत, अरे गुरु के पास चल जाओ। काय के लिए? उसको जानने के लिए। अब बताते हैं गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु का विशेषण वेद भगवान बता रहे हैं,
श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये दो विशेषण मतलब दो लक्षण जिसमें है वो पूर्ण गुरु माना जाता है। कौन कौन है? श्रोत्रिय कायन कहते श्रोत्रिय। वेद का तात्पर्य को जान करके उनकी युक्तियां उनका दिमाग में होना चाहिए, पूरा वेद को पढ़ा लिखा होना चाहिए और उनके अंदर श्रुतियां होनी चाहिए, उसको कहते श्रोत्रिय। और ब्रह्मनिष्ठ का ब्रह्मनिष्ठ वो है ब्रह्मणी निष्ठा यस्य स ब्रह्मनिष्ठ। देखो शास्त्र का तात्पर्य जान भी लेते हैं, अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, पर निष्ठा जगत में है तो चाहे कितना भी वाक्य सुनाओ, कुछ भी करो, आगे वाले की निष्ठा जगत में ही रहेगी, ये नहीं। इसलिए वेद भगवान ने दो विशेषण दे दिया, श्रोत्रिय विशेषण दे दिया और ब्रह्मनिष्ठ विशेषण दिया उन्होंने। हाँ, ब्रह्मणी निष्ठा यस्य, मानी ब्रह्म में ही निष्ठा है जिसकी। अच्छा दूसरी निष्ठा और देख लो, कर्मणी निष्ठा यस्य स कर्मनिष्ठ, ज्ञाने निष्ठा यस्य से ज्ञाननिष्ठ, धने निष्ठा यस्य से धननिष्ठ। अरे जिनकी जान निष्ठा है वो वही उसको बिचारा को स्थित करवा देगा। तो इसलिए उन्होंने काट दिया, अगर जगत में निष्ठा है और श्रोत्रिय अगर है तो भी भला नहीं कर सकता तो क्या करें? पता चलता ही छोड़ करके भाग जाना चाहिए। क्यों? गुरु गीता में स्पष्ट लिख दिया भगवान ने, पार्वती को कह दिया भगवान महादेव, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्य मिथ्यावादी विडंबक स्वशांति न जानन्ति प्रसन्नान्ति करोति किम। ये बोल, अरे ज्ञानहीना का चक्कर में अगर फंस गए हो, जाल में फंस गए हो तो छोड़ दो। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्य, अरे जो ज्ञानी नहीं है, श्रोत्रिय नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, जगत में निष्ठा है तो पता चलता ही छोड़ दे। त्याज्य, त्याग देना चाहिए, त्यज धातु से शब्द बनता है, त्याज्य छोड़ देना चाहिए। क्यों? मिथ्यावादी दूसरा बता दिया, मिथ्यावादी मिथ्याम वदती इति मिथ्यावादी, मिथ्या भाषण करता है, दूसरा विशेषण दिया मिथ्यावादी विडंबका, अरे पाकंडी है, पाकंडी, पाकंड रचा करके जगत के पदार्थों की इच्छा करके खून पीना चाहता है, क्या ले जाएगा? इनके पहले करोड़ गए इन धरती पर जन्म लेकर के, जिनका पता नहीं आज कहां गए वो, क्या लेके गए? तो संसार का पदार्थों में आसक्त होकर के खून पीना चाहता है, तो श्रुति माता ने मना कर दिया, ना ऐसा चक्कर में नहीं आना। अर्जुन ने छोड़ दिया, सर आम छोड़ दिया, द्रोणाचार्य को सामने देख करके छोड़ दिया, भगवान श्री कृष्ण की शरण चलेगी, त्याग करके चले गए ना। उनको पता चल गया कि मेरे जीव ये अंतःकरण में शोक है ना, आग लगा रखा है मोह ने, शोक ने, इसको नष्ट करने के लिए इनके पास योग्यता नहीं है, मना करके भगवान कृष्ण की शरण चले गए। तो यहां विशेषण यह आया है, अक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास चले जाना, हाँ तो वो निष्ठा कर देगा। कैसे जाना अब वो बता रहे, अन्य का विविच्छेद कर दिया, बोला हट जाना इसे। ज्ञानहीनु गुरु त्याज्य मिथ्यावादी विडंबक स्व शांति न जानन्ति, अरे खुद शांति नहीं जानता बेचारा, पर शांति करोति किम, दूसरे को शांति कैसे दे सकता है? अरे वो खुद ही भूखा मर रहा है, कैसे रोटी खिला सकता है? अरे खुद अंधा है, चटिया पकड़ लिया, वो खुद पार नहीं जा रहा है, अरे जो पकड़ लिया वो कैसे लेके जाएगा? हाँ, ये महापुरुषों ने स्पष्ट कह दिया, या ये विशेषण लेना, अक आंख होती है ये के अंदर, ये बार की आंख तो दुनिया में सबके है, फिर भी अंधे हो, बार की आंख से परमात्मा नहीं दिखता, वो ये के अंदर दिव्यम ददामि तो ये चक्षु, भगवान ने कह दिया ना, हे अर्जुन
मेरा स्वरूप को देखने के लिए तू चरम नेत्र से सामर्थ नहीं है। अरे दिव्य चक्षु मैं तुझे देता हूं, उससे मेरा स्वरूप को देख। तो ये जो बार का चश्मा है, हो चाहे मत हो कोई चिंता नहीं, अगर अंतःकरण का जो चश्मा हट गया, आंख खुल गई, तो उस परमात्मा को जान सकते हो। ये आंख तो सबके पास है, बताओ परमात्मा का क्या स्वरूप है, दिख रहा है किसी को? तो इसी के तो कुछ किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए मैं तो आंख वाला हूं, ये तो सब बिना आंख वाले हैं। क्यों? आपको परमात्मा तो दिख रहा नहीं। और जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, नहीं आंख वाला भी आंख वाला है वो। दिव्य चक्षु जिनका खुल गया है वो नई आंख होते भी आंख वाला है। तो यहां ये विचार करना, अक्षरोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाना चाहिए। और वो क्या करेगा वहां जाकर के, क्या करे? बैठ जाए बाजू में, बोला गुरुजी को माला फहरा रहा है, मुझे पहना दे, मैं भी चलाई हूं ये, बोला नहीं। तद विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्ने ने शिवया, अरे ते उपदेक्षन्ति ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। वो जो महापुरुष है ना, तद विधि विधि विधान से उनके पास जा, साष्टांग प्रणाम दंडवत कर, परिप्रश्नेन प्रश्न पूछ, सेवा कर। जब वे ते वे ज्ञानी महापुरुष क्या करेंगे? उपदेक्षन्ति, अरे वो उपदेश करेंगे, ऐसे नहीं। तो ये दूसरा विधि आ गई। अगर उस परमात्मा को साक्षात्कार करने के लिए ये विधि है, इस तरीका से चल जाओ। देखो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ के बारे में मैं दोनों विशेषणों पर थोड़ा ज्यादा बोल लेता हूं, और थोड़ा बोलूं दृष्टांत दे दूं आपको मैं। बोला ये दो विशेषण आपने क्यों दिया, कारण क्या है? एक विशेषण से काम चल गया। तो देखो एक कोई व्यक्ति था, वो नदी पार करने के लिए गया। नदी पार करने के लिए गया तो नौका चलाने वाला बैठा था, उन्होंने जाकर के बोला भाई साहब उस पार जाना है मुझे। हाँ बोला आ जाओ मैं पहुंचा दूंगा उधर। वो धीरे से देखा ढंग से तो बढ़िया ठीक था, लेकिन आंख नहीं थी, इशारा से खींच करके नौका को उधर ले जाता था। हाथ था बढ़िया, नौका थी, चार्ट रही थी, सारी सामग्री थी, पर आंख नहीं थी। अब वो देखा रे भगवान भंवर की तरफ ले गया तो अभी गिरा देगा, मारेगा मुझे भी, ये मरेगा। तो धीरे से आगे खींच गया, बोला नहीं बैठना कभी धोखा हो जाएगा, छोड़ दिया, आगे गया। भाई साहब आगे जाना है, वो नदी पार करना है, वहां गया। वो बोलता है हाँ आइए आइए आइए, देख लिया आंख है, हाथ भी है, पांव भी है, पर नौका के नीचे छेद हो रहा था, जो यूं उणीच रहा था, यूं उणीच रहा था, पानी को यूं उणीच रहा था, निकाल रहा था। सारा मामला ठीक है, पर नौका के नीचे छेद था। वो देखा, मान लीजिए कहीं हवा आ गई और ज्यादा देर लगी तो ज्यादा पानी भर गया तो ये भी डूबेगा और हमको भी मारेगा, उसको भी छोड़ दिया। बोला नहीं भाई, ये तुम्हारे मेरे नहीं बनने वाले, आगे जाओ। आगे जाकर के तीसरा को पूछा, भाई साहब नदी पार करना है। ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं, ब्रह्मनिष्ठ और वेद श्रोत्री होना चाहिए, वो कल्याण कर सकता, ये दृष्टांत दे रहा हूं मैं, इस पर समझ लेना चाहिए। आओ आगे जाकर के पूछा तो वो एकदम चट्टा जवान, अरे नौका नहीं, हाथ भी पांव भी चाटली, सब एकदम रेडी जंट। बोला भाई साहब उधर जाना, बोला बैठो अभी एक झपके में पहुंच जाता हूं। सारा विशेषण अच्छी तरह से देख लिया, हाँ ये पहुंचा सकता है, अब नौका में बैठ गया, तो एक चुटकी में पार उतार दिया। ये दृष्टांत सिद्धांत क्या है? आंख नहीं है मतलब क्या? नहीं है ब्रह्मनिष्ठा नहीं है उनको, वो ब्रह्म को साक्षात किया नहीं। अरे वेद कहां तक, बुद्धि तक आया है, अंदर प्रवेश करके अज्ञान को मिटाया नहीं है, तो आंख नहीं है उसका साक्षात्कार नहीं किया। अब छोड़ दिया, जगत में निष्ठा है, शास्त्रों की व्याख्या कर देता है, बहुत अच्छा अच्छा भाषण कर लेता, बोल लेता है,
और सुबह ही क्या करता है, सब मेरे मुंह में आ जाओ, मुंह फाड़ लेता आकाश की तरफ, सब मेरे मुंह में बारिश हो जाओ। तो ये विशेषण होता, मतलब संसार का पदार्थ मेरे पास आ जाओ। इसलिए बोल दिया ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, नहीं तो भला नहीं कर सकता। अब दूसरा विशेषण आ रहा है, देखो साधन से चलाते हो ना ऐसे। अब ब्रह्मनिष्ठा हो जाने के बाद देखो, अगर ब्रह्मनिष्ठा ही है उनकी और श्रोत्रिय नहीं है तो खुद तो मुक्त हो जाएगा, गारंटी के साथ इसमें संदेह नहीं है। पर अगर शास्त्रों की युक्ति उनके अंदर नहीं है तो शिष्य के अंतःकरण में बहुत प्रकार की भ्रांतियां भरी हुई रहती है, उनको निवृत्त करने के लिए वो सामर्थ्य नहीं होता। इसलिए शास्त्रों की युक्तियां भी उनके अंदर होना चाहिए, जरूरी है, नहीं तो तोड़ ही नहीं पाएगा भ्रांति को वो। इसलिए दोनों विशेषण उनके पास होना चाहिए, जो तीसरे नौका वाला के पास सब विशेषण था वो पार कर दिया उनको। हाँ, तो इसी प्रकार महापुरुष के पास जावे कैसे जावे, आसक्ति को तोड़ देना। और ये समझ लो अच्छी प्रकार से, अकेले संसार का पदार्थ कोई भी हो, कोई भी कितना बड़ा क्यों ना हो जाओ, मोक्ष देने में सामर्थ्य नहीं है। मोक्ष माने सारा दुख मिट जावे और परम सुख हो जावे, ये देने में ये पदार्थ सामर्थ्य नहीं है। ये ध्यान, तो फिर क्या करें, आसक्ति को हटाओ, फिर कहां जाएगा, तत्वदर्शी महापुरुष के पास चल जाना चाहिए। अब विशेषण आया कैसे जाना चाहिए, समित पाणी, पानी कहते हैं हाथ को, समिदा कहते हैं लकड़ी को, समिदा लेके जाता तो लकड़ी को कहते हैं। तो टीकाकारों ने, आनंदगिरी भगवान ने जो उपनिषदों पर टीका लिखा है, उन्होंने ये बताया है कि यहां समिदा से लेना साधन, वो लेके जाने वाला जो जा रहा है महापुरुष के पास, कुछ भी जाता है तो लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो लौकिक में ये भी पहले लेके जाते थे, समिदा मानी लकड़ी, दांतों ने ऐसा शास्त्रकार दिया है, तो कुछ कपड़ा आवश्यकता के अनुसार वो ले जाना चाहिए। पर यहाँ वो टीकाकार बोल दिया चार साधन रूपी समिदा लेके जाना चाहिए, अगर चार साधन नहीं है तो वहां जाकर के प्राप्त नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है, सुन लोगे और थोड़ी देर में गर्दन को यूं हला लोगे, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नहीं थोड़ी देर में वो निकल करके पता नहीं कहां जाएगा। हाँ, क्योंकि बर्तन फूटा हुआ है, फूटा हुआ बर्तन में वस्तु नहीं रुकती है, इसलिए बर्तन को पहले तैयार करना चाहिए। क्या है बर्तन तैयार, अंतःकरण में संसार के भोगों की कामना भरी हुई है, तो इसको पहले हटाओ। अब ये नहीं हटेगी तब तक उधर की कामना नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर से कह देते हैं महाराज जी दे दो मोक्ष दे दो, हाँ तुम्हारे पास है तो चोरी से दे दो, हम तो संसार का पदार्थ ही चाहते हैं। तो बोला इधर से हटाओ, फिर तत्वदर्शी के पास जाओ, फिर क्या करें, समिदा लेकर के जाओ। समिदा क्या है, साधन संपन्न होकर के जाओ। साधन संपन्न होकर के नहीं जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये पहला नियम लगा दिया। और दूसरा, वो परमात्मा क्या है, किसको कहते हैं परमात्मा, तो दूसरा वेद मंत्र आया है, एको देवो सर्वे भूतेषु गुणा सर्वे व्यापी सर्वे भूतांतरात्मा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, कर्माध्यक्ष भी है वो। तो उनके लिए वेद ने कह दिया, श्वेता श्वेतारो उपनिषद की श्रुति है, वेद मंत्र है, एक ही देव है। कहां, सर्वे भूतेषु, ये भूत बैठे सब, क्या है ये भूत है, भूत क्यों कहते हैं इनको भूत, ये पंचभूतों के कार्य हैं, पांच भूतों से बने हुए हैं। तो बता दिया एक ही देव है, क्या है वो, विशेषण लगा दिया साक्षी। कहां है, सर्वे भूतेषु, सारे प्राणियों में गुड़, गुड़ का अर्थ होता छुपा हुआ है, कहां,
कहां छुपा हुआ? भगवान ने गीता में कह दिया, सर्वे भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यन सर्व भूतानी यंत्रारूढ़ानी मायया। अरे अर्जुन, भगवान कहते हैं सारे भूतों के हृदय के अंदर में विद्यमान हो और मैं सत्ता दे करके हर प्राणियों को अपना अपना कार्य में लगा रखा हूं, हर प्राणियों के हृदय में मैं विद्यमान हूं, मौजूद हूं। तो यहां भी भगवान ने कह दिया सर्वे भूतेषु गुड़ा, गुड़ा का अर्थ होता है छुपा हुआ। कहां? हर प्राणियों के हृदय के अंदर मौजूद है वो। सर्वे एको देवो एक ही है, एक ही परमात्मा सच्चित आनंद, उसका विशेषण है सच्चित आनंद स्वरूप। ये है चेतन का तीन और दो है माया का, नाम और रूप ये पांच हंस मिलकर के सारी सृष्टि भाषित होती है। तो एको देवो सर्वे भूतेषु गुड़ा, सारे भूत प्राणियों के हृदय के अंदर वो परमात्मा एक ही है। साक्षी देखो, विचार सागर में एक दोहा आया है, क्या आया है दोहा आया ना? साक्षी नहीं, भेद गोगंध, ठीक है हाँ ये बोले थे, राग द्वेष मति के धर्म ताम मानत हंद। साक्षी ब्रह्म एक, देखो निकल जाती दिमाग में क्या, नहीं साक्षी ब्रह्म एक, और ब्रह्म स्वरूप भी कह सकते हो कोई बात नहीं, एक को चाहे ब्रह्म स्वरूप को, साक्षी में ब्रह्म में भेद नहीं, साक्षी ब्रह्म एक नहीं, भेद को गंध, भेद मानी साक्षी और ब्रह्म अलग अलग बिल्कुल नहीं है, साक्षी ब्रह्म एक नहीं, भेद को गंध राग द्वेष मति के धर्म ताम मानत अंध। ताम किस में? अरे उस साक्षी में भेद मानता है, साक्षी और ब्रह्म में वो अंध है, उसकी मति अभी ठीक नहीं हुई, आंख खुली नहीं। तो यहां भी आया श्रुति में साक्षी चेता, चेता का अर्थ होता चेतन, केवलो केवला का अर्थ होता एक, एको देवो सर्वे भूतेषु गुणा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनका संबंध उनकी साथ नहीं है और इनके कार्य का भी उनके साथ इनके संबंध नहीं है। बता दिया चेता केवलो निर्गुणश्च, और एक विशेषण और है कर्माध्यक्ष, सारे कर्मों का अध्यक्ष माना, तो उपाधि मान करके अध्यक्षपना आता है उसमें, वास्तु में तो उसमें अध्यक्षपना भी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर साक्षी के अलावा जितना भी जो साक्ष्य दिखता ना वो मिथ्या है, वास्तु में है ही नहीं, जब है ही नहीं तो किसको लेकर के उसको साक्षी कहते हो? साक्षी है ही नहीं, साक्ष्य होगा तब उसको साक्षी कह सकते हैं ना, तो उसके अलावा है नहीं, है पर ये मिथ्या है, मिथ्या को लेकर के उसको साक्षी कह देते हैं, कर्मा अध्यक्ष कह देते हैं, और वास्तव में अध्यक्ष पना भी नहीं है, साक्षी पना भी नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा एक ही है, दूसरा कोई है ही, ऐसा निर्णय कर दिया। अच्छा रामायण में भी चौपाई आ गई है, दो क्या आया है, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई, सब कर परम प्रकाशक, देखो इंद्रियां विषय और ज्ञान इनको जो प्रकाशित करने वाला है, सब कर इंद्रियों को प्रकाशित कर देता है, ज्ञान को प्रकाशित कर देता है, विषय को प्रकाशित कर देता है, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। वो है राम, अवध का अर्थ अयोध्या पति कर देते हैं लोग, अवध का अर्थ होता है वध नहीं होता किसी शस्त्र अस्त्र से। दूसरी चौपाई है जगत प्रकाशे प्रकाशक रामो माया दीश ज्ञान गुण धामो, ये राम का विशेषण है, चेतन का परमात्मा का विशेषण है, सब कर परम प्रकाशक, सबको प्रकाशित कर देता है, माया दीश, माया का दीश है, माया को भी वो प्रकाशित कर देता है, और ज्ञान गुण धाम ज्ञान स्वरूप है वो परमात्मा।
तो यहाँ ये वेद मंत्रों ने सुरतियों ने स्पष्ट कर दिया कि एक ही परमात्मा है हर प्राणियों के अंदर। अच्छा दृष्टांत दे देता हूं, बताओ ये जितनी लाइट के बल्ब जुप रहे हैं ना, लाइट एक है या अनेक है? एक ही है ना। तो ये सब बैठे हैं, ये बल्ब है, ये बैठे हैं, ये बल्ब है, बल्ब। अरे वो परमात्मा लाइट की स्थानी है, वो एक है सब में। हाँ, लोहा से 5000 प्रकार का बर्तन बने हुए हैं। अच्छा लोहा एक ही है या अनेक है? सब में लोहा एक है। अच्छा मिट्टी के 1000 बर्तन बने हुए हैं, सब में मिट्टी एक ही है या अनेक है? एक ही है। गड़ा का भेद जरूर है, इसी प्रकार ये जितना शरीरों का भेद है, शरीर अलग अलग है, सबके अंदर वो परमात्मा सच्चिदानंद एक ही विद्यमान है, उनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। एको देवो, बस एक ही है। हाँ द्वितीयम भयम भवति, दूसरा मानोगे तो भय होता है। हाँ तो यहां तक समय तो हो गया है, इतना बोलता हुआ वाणी को विराम देता हूं। अन्य महापुरुष भी विराजमान हैं, हमको भी सुनने का अवसर मिला है तो हम भी सुनेंगे। हाँ बोलने के लिए तो कोई बात नहीं, बोल सकते, ज्यादा कोई चिंता नहीं, लेकिन मर्यादा हमारे संचालक जी ने बताया है तो मर्यादा के अनुसार चले तो धन्य, हम तो उनको मानते हैं। एक बारी बताओ, ऐसे चल रही थी बात, तो एक बाबा ने आगे खींच लिया, एक महात्मा ने ऐसा दृष्टांत दिया, थोड़ा सा आगे निकल गया, नहीं जाना चाहिए, बोला एक बात बताओ, ट्रेन चलाने वाला जो ड्राइवर होता ना, उसका क्या काम है, ट्रेन को स्टेशन पर रोकना चाहिए या जंगल में? अब बारिश बरस रही है चौमासा में बहुत तेजी से, आ वो स्टेशन में रोका नहीं, 1 किलोमीटर आगे ले जाकर के जंगल में खड़ी कर दिया, ठीक है या गलत है? और ड्राइवर के 2-3 डंडा लगाना चाहिए। अरे बेचारा उतर उतर के कमरे में चल जाएगा, थाना पर तो रोक दो कम से कम। तो थाना पर रोकना बढ़िया है, अच्छा है, तो यहीं विराम दे देता हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम।